दलित समाज ने हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकालकर उठाई आवाज। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में हाथरस में दलित समाज की युवती के साथ गैंगरेप कर हत्या के मामले में मृतक 19 वर्षीय युवती को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे दलित समाज के लोग हाथों में कैंडल लेकर कर रहे हैं आरोपियों को फांसी देने की मांग। 19 वर्षीय युवती के लिए शाहजहां में उठी न्याय की मांग। ब्यूरो रिपोर्ट, उदय शर्मा, शाहजहांपुर, यूपी। मांग है जो कुमारी मनीषा वाल्मीकि हाथरस की हमारी बेटी थी, जिसको दलितों ने उनके साथ हवानियत करके इतना दुराचार किया कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। हम लोग जो अपराधी हैं चारों, उनको कड़ी से कड़ी सजा क्या फांसी की उनकी मांग करते हैं। फांसी से कोई भी मानवीय तो फांसी सजा हो, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो वाल्मीकि समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है लोगों के द्वारा, वहाँ बंद हो। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग यह कहना चाहते हैं किस तरीके से अगर किस तरीके से परिवार को न्याय नहीं मिलता है, वो क्या मांग करते हैं परिवार के लिए। परिवार को सबसे पहले उसके परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए गाँव में जो दबंगों के द्वारा, और परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा राशि मिलना चाहिए। परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, सत्र लाइसेंस मिलना चाहिए, और जो उत्तर प्रदेश में वाल्मीकियों का शोषण हो रहा है वह हर कीमत पर बंद होना चाहिए।